बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। पहले 3 टर्म में उनसे सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। हालांकि यह कहा गया है कि बहुत सामान्य यह परीक्षा होगी, उसके बाद उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इसका विरोध लगातार नियोजित शिक्षक कर रहे हैं और आज हम अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पर रहे हैं। यहाँ के विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन उससे पहले नियोजित शिक्षक काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँच गए हैं। आज इनका विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था। ये लोग का साफ तौर क्या कहना है, हम उनसे ही बात करेंगे। नियोजित शिक्षक आप लोग हैं? जी, नियोजित शिक्षक। अच्छा, यहाँ क्या मांग क्या? मांग हम लोगों को बिना शर्त राज्यकर्मी दर्जा दिया जाए। आप परीक्षा देने से क्यों भाग रहे हैं? परीक्षा देने से नहीं भाग रहे हैं। हम लोगों जो सेवा शर्त लाया है वो एकदम हम लोगों के विरुद्ध लाया गया। हम लोगों का डिपार्टमेंटल एग्जाम होना चाहिए, ना कि एक तरह से एक प्रभार दे करके। हम लोग कितना एग्जाम देंगे? TAT पास करके आए हैं, 10 साल नौकरी हो चुका है, 10 साल नौकरी कर चुके हैं और दक्षता पास करके आए हैं, सारा उसका सेवा शर्त पास। के पाठक कह रहे हैं कि बहुत सामान्य परीक्षा है, 3 बार नहीं 5 बार मौका देंगे आप लोगों को कुछ सीखने का। नहीं, के पाठक ने नहीं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा से बोला था कि एक सामान्य मामूली परीक्षा होगी। चाहे तो नीतीश कुमार शिक्षकों के साथ गेम खेल रहा है, आम पब्लिक में यह मैसेज पहुँचा दिया कि मामूली परीक्षा। और उसके बाद के पाठक जी का जो आ रहा है BPSC का टोटल सिलेबस आ रहा है, TRE 1 TRE 2 का आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग शिक्षक हम लोग परीक्षा से डर नहीं रहे हैं। लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ नियोजित शिक्षक ही परीक्षा क्यों दे? ऑलरेडी हम पात्रता करके आए हैं, ऑलरेडी हम दक्षता दे के आए हैं, हम ट्रेनिंग करके आए हैं, बार बार आप परीक्षा के नाम पर उसको प्रताड़ित कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। आज आप सक्षमता लेना चाह रहे हैं, 10 साल बाद बोलिएगा कि कुशलता परीक्षा लेंगे, नहीं तो निकाल देंगे। फिर 10 साल बाद बोलिएगा कि आप तो निपुणता परीक्षा लेंगे, नहीं तो फिर निकाल देंगे। तो ये बार बार ये धमकी, ये टॉर्चर आप जो कर रहे हैं, तो इससे क्या शिक्षा का बेड़ा गर्क नहीं हो रहा है? आप शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो एक परेशान शिक्षक क्या अच्छी शिक्षा दे पाएगा? आप एक टारगेट ले लिए हैं कि बिहार के जो दबे कुचले बच्चे हैं, जो वंचित बच्चे हैं, जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं, वो पढ़े नहीं, इनकी पढ़ाई को रोका जाए। आपकी मानसिकता कहाँ है, ये शिक्षक भी समझ रहे हैं और आम जनता भी समझ रहा है। पाठक जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं आपने बेरा गर्क करने का। शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, ये इनका कहना। ये बताइए कि परीक्षा, उन्होंने कहा कि सामान्य परीक्षा है, कह रहे हैं कि नहीं BPSC की तरह। अभी तो नामांकन ही शुरू हुआ है, आप लोग कैसे अधिक कर रहे हैं? अभी तो 15 तारीख तक परीक्षा हम लोग क्यों दें? हम लोग परीक्षा क्यों दें? आज 20 साल 22 साल से नौकरी कर रहे हैं, दक्षता दिए हैं, ट्रेनिंग किए हुए हैं, तो फिर परीक्षा ये क्यों? सिर्फ हम लोगों नियोजित शिक्षकों की परीक्षा क्यों? सारे विभाग, जितने भी बिहार में विभाग हैं बिहार सरकार के अंतर्गत, सभी विभागों की परीक्षा ले और सबको ही सक्षमता दे, तो हम भी देने तैयार हैं। 20 साल 22 साल से नौकरी कर रहे हैं और अभी कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, TRE 1 TRE 2 लिया ऑफलाइन। ये नीतीश कुमार की मंशा है के पाठक के उकसाने पर कि यहाँ के नियुक्त शिक्षकों को शिक्षा से, इसके नौकरी से हटाओ और यूपी के शिक्षकों को भरो, यूपी के लोगों को भरो। सवाल है सर कि आप लोग को विरोध कर रहे हैं कि नहीं परीक्षा नहीं होनी चाहिए, जबकि शिक्षा विभाग का कहना है कि हमें आपको सिखाने का, के पाठक ने कहा कि हम सिखाना चाहते हैं, आप लोग कुछ सीखे, नौकरी से कोई नहीं हटाएगा। तो सर इसका मतलब के पाठक जी समझ रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक 20 साल से पढ़ा रहे हैं वो जाहिल हैं, वो क्या सिखाएंगे? यही नियोजित शिक्षक है जब 20 साल से UPSC का जो है क्वालिफाइड करने वाला बच्चे, इन्हीं का हमारा स्टूडेंट, हम लोग का स्टूडेंट है, UPSC और BPSC का एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं, या अभी जो अभी का फिलहाल BPSC TRE 1 TRE 2 का जो हुआ एग्जाम हुआ, ये सब नियोजित शिक्षक से ही पढ़े हुए हैं। और के पाठक जी जैसे आदमी तैयार हमसे पढ़ के हुए, आज 20 साल के बाद वो दिखाना चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे ये लोग जाहिर है और बाकी जो उनसे पढ़े वो ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए। इसलिए के पाठक का मंशा वही है कि UP वालों को भरना है और बिहार के नियोजित शिक्षक को हटाना है, लेकिन ये मकसद हम जो है के पाठक का खाली कामयाब होने नहीं देंगे। एक और बात के पाठक जी सुन लीजिए, ये बिहार के ही नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने आपको नहीं बोलना चाहिए फिर बोलते हैं, जिसके बदौलत आप 20 साल से राज कर रहे हैं, गद्दी में बैठे हैं।
अगर इसको ज्यादा अगर उंगली करने की कोशिश कीजिएगा तो ये इसका ज्वाला अगर हमारा भर के गए तो आप जो है कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आप जो है के पाठक को तुरंत सस्पेंड कीजिए, उसको जो है बर्खास्त कीजिए, हटाइए और नियोजित शिक्षक की जो मांग है समान क्या कहते हैं पूर्ण राजगण का हमें दर्जा आप बिना असद का चाहिए। आप शिक्षा क्षेत्र में है, शिक्षा आपका काम ही है, परीक्षा से क्यों भागना पड़ता है? परीक्षा से हम लोग भागी नहीं रहे हैं। सबसे पहली बात, परीक्षा हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, हम लोग दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं, 70+ नंबर ला करके बैठे ना, कभी डर नहीं है। फेल होने का डर है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई फेल होने का डर है। परीक्षा देने के बाद हम नियोजित टीचर बने हैं, बिना परीक्षा दिए हुए नियोजित टीचर नहीं बने हैं, तो फिर अभी फिर हमारी परीक्षा क्यों ले रही है? 18 साल 20 साल से हम जॉब में हैं, अब परीक्षा दे करके उसके बाद फिर उनका कहना है कि परीक्षा तो परीक्षा की बात है। ये कह रहा है कि 3 जिला अदर आप ऑप्शन दीजिए, आप अपने जिला से अदर जिला जाने के लिए, आप हमारे साथ परिवार है, माँ है, बाप है, बीवी है, बच्चा है, सब चीज़ है, उसको छोड़ करके हम कहाँ जाएँगे? हमारी घर तो बर्बाद हो जाएगा ना। ये नीतीश कुमार के पास तो अपना औलाद और अपना परिवार तो है नहीं। लेकिन नीतीश सरकार ने एक और ऑप्शन दिया है कि जिनको परीक्षा नहीं देना है वो नहीं दे सकते, नियोजित शिक्षक रहेंगे, दर्जा नहीं मिलेगा। आपने नहीं देखा कि श्री के पाठक द्वारा बाद में चिट्ठी निकाली गई है कि जो पहले कंडिका 3 में जो है ये बात था कि जो नियोजित परीक्षा नहीं देंगे वो बने रहेंगे, बाद में नियोजित शिक्षकों को जो है फिर जो है चिट्ठी निकाला गया कि जो कंडिका 4 का जो है ये पालन होगा। हम लोग 2 साल 19-20 में जो है हम लोगों ने आंदोलन किया था ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए, तब तो कमेटी आज तक नहीं बनी, 2024 आ गया और 3 दिन के अंदर उनके जो है ऑफिसर कमेटी बना के चिट्ठी निकालते हैं कि जो एग्ज़ाम नहीं देगा उनको निकाल दिया जाए। ऐसी तो कोई ऐसा लेटर है, ऐसा लेटर है, दूसरी बात ये पाठक हाय हाय देखिए, ये नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो के पाठक ने जो फरमान लाया है जो और जो जिस तरह से क्षमता परीक्षा ली जा रही है उसका हम लोग सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं। परीक्षा देने से नहीं डरते हैं लेकिन बार बार परीक्षा क्यों दे? सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, अभी पटना।